बीते दिन ही COVID-19 पॉजिटिव पाए गए प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन इस वेले पूरी तरह के नाल तंदुरुस्त हो चुके ने ते उन्हां वल्लों अपना आइसोलेशन पीरियड भी पूरा कर लिया गया है। सोमवार तो प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन एक बार फिर दफ्तर पहुँच के कामकाज सांभ लैणगे। इस दे नाल ही यह भी दस्या जा रहा है कि प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन तय समय मुताबक अगले हफ्ते अमरीका का दौरा भी करनगे। मनिया जा रहा है कि COVID-19 पॉजिटिव पाए जाने के चलते उन्होंने अमरीका का यह दौरा रद्द हो सकता है, पर हुण वह पूरी तरह के नाल तंदुरुस्त हो चुके ने ते अगले हफ्ते अमरीका जाएंगे, जिथे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दे विच वह एक हाई प्रोफाइल कमेंसमेंट नू अड्रैस करनगे। दस दिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दे विच एक ट्रेड मिशन के तहत प्रोग्राम करवाया जा रहा है, जिथे प्रधानमंत्री काफ़ी अहम भाषण देंगे। जिक्र योग है कि प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन 13 मई को COVID-19 पॉजिटिव पाए गए थे। इस पहले अपने पार्टनर क्लार्क गेफोर्ड के COVID-19 पॉजिटिव पाए जाने तो बाद प्रधानमंत्री ने अपने आप को सैल्फ आइसोलेट कर लिया सी ते वो उदों तो ही आइसोलेशन दे विच चले आ रहे हैं। COVID-19 पॉजिटिव होने के चलते प्रधानमंत्री इस बार बजट सैशन के भी हिस्सा नहीं सी लै सके ते उन्हां वल्लों वर्चुअल तरीके दे नाल बजट सैशन के अपनी हाजिरी लगवाई गई सी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली खबर।